हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो आने में, क्योंकि क्लासेस थे मेरी। लेकिन चलिए, आपको थोड़ा टाइम मिल गया, क्योंकि कल वाला वीडियो भी थोड़ा लेट आया था, तो आपको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था जिसमें कि आप कंप्लीट कर पाओ अपने जो भी मैंने होमवर्क दिया था आपको पिछले क्लास में, तो पिछले वीडियोज़ में बेसिकली। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। और जो लोग भी कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कम से कम 75% 80% कम्प्लीट करो। या जो लोग अभी से देख रहे हो वीडियो, तो वो फर्स्ट वीडियो से शुरुआत करो, वो मान लो कि आज ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। ओके, तो आज बात करते हैं अपन, हमने फिजिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। फिजिक्स ऐसे करो, फिजिक्स में क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो फिजिक्स में अपन सबसे पहले अपन ने कंप्लीट किया मॉडर्न फिजिक्स, हम अपना हो चुका है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो चुका है, एसएम वेव, ये सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं कंप्लीट किए हो करते रहो आप लोग, ठीक है। मैं अपना होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग करते रहो। तो आज करना आपको सेमी कंडक्टर, ओके, सेमी कंडक्टर आज कर लेना सभी लोग, सेमी कंडक्टर फिजिक्स में। इसके अलावा बात करें बायो में, तो बायो में हमने ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो सारा कंप्लीट कर रखा है। अब बेसिकली आपको शुरू करना है, अब ट्वेल्थ का शुरू करो एक बार। ट्वेल्थ में आप आ जाओ, अब बायोटेक शुरू करो पहले। पहले जो दो बायोटेक, तीन बायोटेक के टॉपिक हैं उसको करो, और इकोलॉजी का यदि एक चैप्टर हो पाए तो कर लेना। तो बायोटेक प्लस इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यदि हो पाए तो कर लेना, जरूर अच्छा रहेगा। फिर अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में हमने जियोसीवन, आप जियोसीवन पूरा खत्म करना, जो भी आपके जियोसीवन में बचा अभी तक, मतलब हमने तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको बोल दिए हैं, फिर भी कोई भी टॉपिक यदि बचा हुआ होगा, यदि रिमेनिंग हो तो आप उसको भी कर लेना, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी वन मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट वन, जिसमें कि रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन ये सब आता है, तो उसको कर लेना। यदि थोड़ा सा भी बचा हुआ किसी का भी आप लोग में से, तो वो कर लेना पूरा। तो अपना आइसोमर और जीओसी वन पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। देन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बॉन्डिंग बोला था शुरू करने के लिए, और बॉन्डिंग में आप आगे करो एमओटी, मतलब बॉन्डिंग में आप आधा आधा पार्ट करते चलो। बॉन्डिंग के लिए अपने तीन तीन दिन में दे रहा हूँ, आप कल था आज था और 2 दिन और रहेगा बॉन्डिंग के लिए, तो बॉन्डिंग आप उसके अनुसार से मैनेजमेंट कर देना, ठीक है। आज कुछ पार्ट बॉन्डिंग कर लेना। देन बात करें अपन फिजिकल की, फिजिकल में आपको शुरू करना था केमिकल इक्विलिब्रियम, आज करना आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन कोई नहीं, एक बार करोगे दो बार करोगे हो जाएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को मिला के मैं 2 दिन दे रहा हूँ, आज भी होगा कल भी होगा अपना, तो आप दोनों को मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यही आज का सिलेबस रहेगा, और बताते रहना आप लोग कैसा जा रहा है आप लोग का ये प्रिपरेशन शेड्यूल। और प्लीज जरूर कमेंट करके बताओ, जो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हो वो कमेंट करके बताओ, जिनसे नहीं हो पा रहा वो भी लोग कमेंट करके बताओ कि यस यहाँ प्रॉब्लम सारी, तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। ओके, सो आप जरूर कमेंट करके बताना मुझे। और काफी अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं मोटिवेशनल चैनल पर, अपना जरूर देखना, वो काफी आपको मोटिवेट करेगा कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, कैसे क्या शेड्यूल होता है, कैसे होता है, काफी मोटिवेट करेगा आपको और पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। और ये है आईएलटी हमारा, जहाँ पर क्लास होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहो, वीडियोस देखते रहो, सुनते रहो, और जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करते रहो, सुनने से सब नहीं होगा इसके लिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।